मॉर्निंग बच्चों, मैं कृष्णा यादव आज आपको सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खिलौने वाला पढ़ाऊंगी। इस कविता में बालक के मन में तरह तरह के खिलौने लेने की ललक तो होती है, परंतु वह अपनी माँ के सानिध्य में ही रहना चाहता है। वह बच्चों वाले खिलौने तोता, बिल्ली, मोटर गाड़ी, गेंद आदि न लेकर धनुष्मान, तलवार आदि लेकर रामचंद्र जी की तरह बनना चाहता है। तो लीजिए प्रस्तुत है ये कविता खिलौने वाला। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेत, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में वाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी है तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ले जाकर मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर ले, पर मामी ये कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे यसरों को मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे बन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो बच्चों, इस प्यारी सी कविता को सुनकर आपको भी गुनगुनाने का मन कर रहा होगा, तो आप भी इस कविता को याद करके गुनगुनाइए। धन्यवाद।